का नाम भी नॉमिनेट हुआ है पीसा अवार्ड में। आप जितवाएंगे क्या? बीती तुर्बत के पास, और उसके बाद जो है काफी मसले हुए, लेकिन यहाँ पे अभी जो है सारा कुछ सही हो रहा है। मुझे लगा था कि नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। और इंशाल्लाह आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं कहाँ पर और किस जगह पे हूँ, सोच रहे होंगे आप लोग। तो अभी मैं हूँ ग्वादर, ग्वादर बोले तो ग्वादर में आया हूँ। तो कल आया था और अभी मैं हम जा रहे हैं एक रेस में, रेस ग्वादर ऑफ रोड रैली में 2021, और जो कि 14 से लेकर 17 तक रेस होगी। और आज मैं जिस रेसर को सपोर्ट कर रहा हूँ उसका नाम है मीर नदीम, और इंशाल्लाह ताला इस रेस को वही जीतेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसका इंटरव्यू अब हम लेंगे। उसके साथ ही साथ हम उसका शॉर्ट्स भी लेंगे, ड्रोन के साथ भी और कैमरे के साथ भी, जितने भी कोशिश करूँगा उसके शॉर्ट्स ले लें। तो मीर नदीम, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रेस, एंड इंशाल्लाह ताला मीर नदीम ही जीतेगा। वालेकुम, मन मीर नदीम से ग्वादर अमन तालुके, और ये रेसा मैं ऐसा जुड़ता ये सही भी बारे मैं ऐसा जीर गया, और मैं फिर उम्मीद है इंशाल्लाह मैं चाह रहे पोजीशन हासिल बिकने होती इलाके नाम ग्वादर पूरे मकुरा ने नाम रोशन बिकने। और बात चैलेंजिंग ट्रैक है, आसान ना ये बात मुश्किल है, उससे बात मेहनत करने की है। बाकी इंशाल्लाह मैं फिर उम्मीद है अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला हमारा कामयाब करते हैं। देखा कि यहाँ पर ग्वादर में आए और कहाँ पर होंगे ये बंदा, तो इसलिए वो मैं अचानक से यहाँ पर आ चुका हूँ रैली में, और मुझे मिल गए पाकिस्तान के नंबर वन व्लॉगर, और आज अभी इसका नाम भी नॉमिनेट हुआ है पीसा अवार्ड में। आप जितवाएंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, पीसा अवार्ड में भी इसका नाम नॉमिनेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप लोकल जो है ना यहाँ पे जो कल्चर उसको प्रमोट कर रहे हैं। बहुत कम है ब्लॉगर्स, और ज्यादातर लोग जो है ना वो गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं, लेकिन आपने करते रहना है यहाँ पे लोकल टैलेंट को प्रमोट करते रहना है और लोकल कल्चर को ज्यादातर, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्वादर आया हूँ तो यहाँ पे मैंने फिरना वगैरह है। आपने मुझे बताने किधर किधर जाना है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह डन है। आप अभी तकरीबन 2 या 3 दिन यहीं पर होंगे, हम आपको यहाँ पर ग्वादर घुमाएंगे, क्योंकि हम यहाँ के लोकल भी हैं और तुर्बत और ग्वादर के दोनों के लोकल हैं, और इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे ग्वादर की खूबसूरती कितनी खूबसूरत है। और पीसा अवार्ड में इसका नाम नॉमिनेट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए युकानो को वोट दीजिए और जितवा जितवाइए युकानो को। और मिलते हैं अभी मीर नदीम के, सब्सक्राइब टू मी मैजिशियन।
हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं मीर नदीम गाड़ी का, मीर नदीम की गाड़ी का। और जब आएगा यहाँ से ट्रैक पे गुजरेगा तो हम उसका ड्रोन शॉट्स लेंगे, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब तक आएंगे। एक गाड़ी तो अभी गुजर गई, अभी दो या तीन गाड़ी के पीछे मीर नदीम का गाड़ी है, वो अभी ट्रैक पे थोड़ा सा सोलो चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह ताला इन सबको क्रॉस करके पहले नंबर पर आएगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा जोर था, बाकी मानी सकती हैं ट्रैक फिनिश को था, आप क्या कहें। और बाद चैलेंजिंग ट्रैक ही और बाद मुश्किल सरा, बस अल्लाह पाक में मदद को था, आसानी सरा बिता, बाकी बाद चैलेंजिंग आसान नहीं है। और इधर जो पाकिस्तान आ चाहें आओ के रेसर जो ज़बरदस्त मसला रेसर ज़बरदस्त था, बोले मार सख्त इन ट्रैक ही क्या आसान नहीं शिफार का ना क्या शिफार में कम है, बस बात ज़बरदस्त ही बोला। जिसका ड्रोन शॉट्स जो वीआईपी आज आ रहे हैं आजकल बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान का जो नंबर वन व्लॉगर है 100 से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं, उसका मैं सबसे बड़ा फ़ैन है और उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। और तो मिलते हैं जानसीब सिमर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, परफेक्ट। कैसा रहा आपका सफर? यार सफ़र थोड़ा सा ख़तरनाक था क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी तुरबत के पास, और उसके बाद जो है काफ़ी मसले हुए, लेकिन यहाँ पे अभी जो है सारा कुछ सही हो रहा है। मुझे लगा था कि नहीं होगा लेकिन हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला जितने भी दिन आप यहाँ पर ग्वादर में, हम इंशाल्लाह आपको घुमाएंगे। थैंक यू उसामा ने इतनी हेल्प की है, मैं बोलता हूँ कि थैंक यू कहता हूँ मैं उसामा का कि इतनी हमारी हेल्प की है यार, बस थैंक यू यार। थैंक वेलकम सर, वेलकम। और इंशाल्लाह ताला जानसीब के साथ और भी इंशाल्लाह आपको व्लॉग मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। फाइनली मीर नदीम बलोच सबसे पहले पहुंच गए, और जिम्मी गाड़ी था उसके आगे था, उसने उसको क्रॉस करके सबसे पहले पहुंच गए, और अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला आई होप के मीर नदीम ही इस राउंड को जीतेंगे। और अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं से समाप्त, तो मिलते हैं अगले इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए पीस आउट। गाड़ी था मीर नदीम ने, जिम्मी गाड़ी को क्रॉस करके उसके आगे चले गए। अभी उसने क्रॉस किया यहाँ से, तो अभी तकरीबन फिनिशिंग लाइन थोड़ी सी दूर है, मगर फिर भी उसने एक गाड़ी क्रॉस करके दूसरी गाड़ी के उस गाड़ी की पोजीशन अभी ले लिया।